गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पहले तो सबको सॉरी, क्योंकि रीजनिंग की क्लासेस बीच में कुछ टाइम के लिए नहीं हो पाई थी। कुछ और प्रोजेक्ट थे जो मुझे पूरे करने थे, उन पे काम चल रहा था, लेकिन अब रेगुलर चलेगी रीजनिंग क्लासेस। ठीक है, तो आपके दो टॉपिक हो चुके हैं। रैंकिंग टेस्ट हमने कंप्लीट कर लिया, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसके हो सकता है आपने क्वेश्चन भी करके देखा, आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, इन कंसेप्ट से क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाते हैं, राइट। तो आज का आपका टॉपिक लेके आए लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि कुछ लोगों को अगर एक लाइन में बैठाना हो, ठीक है, हो सकता है कि एक ही लाइन हो, आपको इस लाइन के अंदर कुछ लोगों को अरेंज करना हो सकता है कि दो लाइनें हो आमने सामने, वैसे हो इस तरीके से, और लोगों को इस तरह से आपको डिवाइड करके अरेंज करना है। तो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का सिंपल सा मतलब है कि लाइन के अंदर लोगों को बैठाना है, ठीक है। अब लाइन में अगर आपको लोगों को बैठाना है तो एक सिंपल सी बात याद रख लेना, हालांकि मैंने रैंकिंग टेस्ट के टाइम पे बताई है ये वाली चीज़, लेकिन फिर बता रहा हूँ कि सपोज करो कि लाइन में इस तरीके से आप तीन चार लोगों को बैठा रहे हो और सबका फेस है इधर की साइड में, नॉर्थ की साइड में। सबका फेस किधर है? नॉर्थ की साइड में। हमें पता ही है ये डायरेक्शन यही होती है कि ये होती है आपकी ईस्ट, इधर हो जाता है वेस्ट। सो आपका सर की तरफ नॉर्थ होता है, पैर की तरफ साउथ होता है, ठीक है। अगर आप मैप देखते हो तब भी ऐसे देखते हो। तो नॉर्थ की तरफ अगर आपने बैठा रखा है, सबका फेस किया हुआ इस तरीके से, तो आप खुद इमेजिन करो इस चीज़ को, इस तरह से लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। इस तरह से आपने कुछ लोगों को बैठा रखा है, तब आप मुझे बताओ, हम भी ऐसे उधर फेस करके बैठे हुए हैं तो हमारा राइट हैंड कौन सा हो गया? ये वाला राइट हैंड हो गया। यानी याद रखना, उस केस में ये राइट होता है और ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड, ठीक है। ये होता है राइट, ये होता है लेफ्ट। तो अगर मान लो किसी को बोल दी वाली समझ में आ रहा है, आप सपोज करो कुछ सिचुएशन लेके चल रहा हूँ और उन सिचुएशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो सिचुएशन मैंने ली कि राम जो है श्याम के लेफ्ट में है, राम श्याम के लेफ्ट में है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि सपोज करो श्याम यहाँ कहीं बैठा हुआ है, तो राम श्याम के लेफ्ट में, कौन सी पोजीशन है, कंडीशन है हमारी नॉर्थ की तरफ ही देख रहे हैं हम, इसी को लेके समझाऊंगा पहले मैं, ठीक है। ये श्याम हो गया और इसके लेफ्ट में मान लेते तीन चार पोजीशन बनी हुई है बैठने की, तो राम इन तीनों चारों में से कहीं भी हो सकता है। राम यहाँ भी हो सकता है और राम इधर भी हो सकता है, और राम इधर भी तो हो सकता था, लेफ्ट में कहीं भी हो सकता है, और राम इधर भी कहीं भी हो सकता है। यानी सिंपल चीज़ है, राम इज़ टू द लेफ्ट ऑफ श्याम, राम जो है श्याम के लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट का मतलब कहीं भी लेफ्ट में हो सकता है। यानी कि अगर आपको तीन चार लोगों में, तो हो सकता है कि ये आपका श्याम हो, तो राम ये भी हो सकता था, 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 ठीक है, क्योंकि लेफ्ट में दिया हुआ है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि लेफ्ट का मतलब कहीं भी हो सकता है। ऐसे अगर हम राइट की बात करें, इसको उल्टा बोल दें कि राम अगर श्याम के लेफ्ट में, तो श्याम ऑब्वियसली क्या बोलता है, ऑब्वियसली क्या होगा, इसके राइट में होगा। इसका मतलब अगर इन केस अगर मान लेते यहाँ पे राम है, तो श्याम इनमें से कहीं भी हो सकता है राइट साइड के अंदर। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि राइट के अंदर है इसका मतलब कहीं भी हो सकता है राइट में, लेफ्ट का मतलब कहीं भी हो सकता है। अब एक जो इंपॉर्टेंट वर्ड आने वाला है बेटा, एक बार इसको नोट कर लो पॉज करके, जो इंपॉर्टेंट वर्ड आने वाला है वो समझाता हूँ मैं, और वो चीज़ों को थोड़ा सा चेंज कर देता है। और वो वर्ड क्या है कि सपोज करो मोहन ले जाते हैं, मोहन इज इमीडिएट लेफ्ट टू मदन, मोहन इज इमीडिएट लेफ्ट टू मदन, मतलब कि मोहन जो है मदन का इमीडिएट लेफ्ट है। इस इमीडिएट वर्ड का मतलब क्या है? बिल्कुल लेफ्ट, तुरंत लेफ्ट वाला, ठीक है। यानी कि इसके बिल्कुल बाजू में बैठा हुआ, इमीडिएट मतलब बिल्कुल बाजू में होगा, और किस साइड में होगा? लेफ्ट के अंदर होगा। ये इमीडिएट वर्ड का मतलब होता है। इसका मतलब होगा अगर आपने इसको मदन माना है और मान लेते इधर ही फेस करके, हम सिर्फ नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन वाले समझ रहे हैं अभी, ठीक है। तो मदन का लेफ्ट ये होगा, ये मदन बैठा हुआ है, तो मदन का लेफ्ट ये हो गया, तो मोहन इसका इमीडिएट लेफ्ट यानी जस्ट बाजू में बैठा होगा, ये ध्यान रख लेना। तो इमीडिएट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे गड़बड़ करते हैं कुछ बच्चे, क्या करते हैं कि लेफ्ट पढ़ लेते हैं, इमीडिएट लेफ्ट नहीं पढ़ते, ठीक है। या फिर वो हमेशा लेफ्ट लिखे वाले को इमीडिएट लेफ्ट ही समझते हैं, मतलब लेफ्ट में बैठा हुआ है यानी उसके बाजू में बैठा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर लेफ्ट में बैठा हुआ है, बाईं तरफ बैठा हुआ है, तो बाईं तरफ वो कहीं भी हो सकता है, उसके बाद में सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, कहीं भी हो सकता है, लेकिन इमीडिएट मतलब जस्ट बाजू वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका मोहन, समझ रहे हैं। उसके बाद अगर मैं ये बोल दूँ कि सपोज करो सोहन इज टू दी
इमीडिएट राइट ऑफ अंशु, यानी कि सोहन है वो अंशु के इमीडिएट राइट में है। सोहन इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ अंशु, यानी कि अगर अंशु यहाँ बैठा हुआ है तो इसका इमीडिएट राइट मतलब जस्ट बाजू वाली पोजीशन पे कौन हो जाएगा, सोहन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वाली चीज़ समझ में आ रही है इमीडिएट का मतलब क्या है, जस्ट बाजू वाला, ठीक है, वो इमीडिएट में चाहे लेफ्ट में हो या राइट में हो, ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है। दूसरा लेफ्ट और राइट का मतलब समझ में आ रहा है कहाँ पे, जब हम नॉर्थ में देख रहे हो, ठीक है, तो आपका एक तरह से चैप्टर का लगभग कंसेप्ट हमारा आधा कंसेप्ट कवर हो चुका है। ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार पॉज करके कि ये क्या हो जाएगा, इमीडिएट राइट का मतलब होता है जस्ट बाजू में, इमीडिएट लेफ्ट का मतलब जस्ट बाजू में, बाईं तरफ वो दाईं तरफ हो जाएगा। ठीक है, बस एक चीज़ और समझनी है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो ये है कि अगर साउथ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, मान लेते हैं कि आप लोगों का फेस किधर है, साउथ की तरफ है, यानी कंडीशन ये हो गई कि अब हम ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है, अब हमारा ये लेफ्ट पड़ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, राइट, समझ में आ रहा है वाली चीज़। इसका मतलब ये तो आपका हो जाएगा लेफ्ट साइड हो जाती है, क्यों, क्योंकि आप ऐसे बैठे हुए हो, साउथ की तरफ आपका फेस है, इसका मतलब ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड, ठीक है, और इधर वाली कौन सी कंडीशन हो जाएगी, ये आपको पड़ जाएगा राइट। बस ये ध्यान रखने वाली बात है, नॉर्थ और साउथ में फेस की वजह से लेफ्ट और राइट वाली पोजीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, इमीडिएट का मतलब तो यहाँ भी वही रहने वाला है, जस्ट बाजू वाला, ठीक है, तो लेफ्ट मतलब बाईं तरफ कहीं भी हो सकता है, राइट मतलब दाईं तरफ कहीं भी हो सकता है, इमीडिएट लेफ्ट मतलब जस्ट लेफ्ट में, जस्ट बाजू में बाईं तरफ बिल्कुल पड़ोसी बैठा होगा, और इमीडिएट राइट मतलब राइट में जस्ट पड़ोसी हो जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से ही डिफरेंट कंसेप्ट निकलेंगे, ज़्यादा थ्योरी पार्ट में नहीं जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, आप इसको एक बार नोट करो पॉज करके, मैं तब तक अब क्वेश्चन लिख के और क्वेश्चन समझाता हूँ। हाँ जी, सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है, कोई बात नहीं बता देता हूँ इसको। फाइव बॉयज़, अगली बार क्वेश्चन यहीं लिखूँगा, फाइव बॉयज़ ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन अ रो। ठीक है, कहीं नहीं बोला गया अभी तक नॉर्थ में फेस है साउथ में, आपको ऑलरेडी रैंकिंग टेस्ट वाला चैप्टर में बता चुका हूँ, अगर मेंशन नहीं है आपका फेस किधर है तो हमें फेस कहाँ मानना है, नॉर्थ में मानना है, यानी हम ऐसे ही खड़े होकर लिखेंगे। ठीक है, एक्चुअल पता है क्यों बोला जाता है नॉर्थ में फेस है, क्योंकि आप खुद सोचो, पहले ऑफलाइन पेपर होता था या ऑनलाइन पेपर भी आप बात कर लेते हैं इस चीज़ को, अगर आप ऐसे बैठे हुए हो तो हमारा कंप्यूटर सामने होता है तो हम उसी चीज़ को वैसे ही समझते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट राइट हमारा वही रहता है जो हमारा लेफ्ट और राइट रहता है। तो फाइव बॉयज़ हैं ए बी सी डी आर सिटिंग इन अ रो, तो मैंने बोला है कि जो भी इन्फॉर्मेशन हो लिख लिया करो, तो फाइव बॉयज़ हैं ए बी सी डी ई, चलो बॉयज़ तो पूरे हो गए, ए इज एडजेसेंट टू ई, इस एडजेसेंट वर्ड का मतलब होता है पड़ोसी हो गया, जुड़ा हुआ है, एडजेसेंट मतलब जुड़ा हुआ है, यानी कि ए जो है ई से जुड़ा हुआ है, यानी ए इसके पास में ही रहने वाला है। अब पास का मतलब लेफ्ट भी हो सकता है, पास का मतलब राइट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एडजेसेंट का मतलब यहाँ पे सिंपल चीज़ निकल के आ रही है कि ये इसके पास में रहने वाला है। कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी कि ए यहाँ होगा तो ई यहाँ होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है ई ऐसे हो, यानी लेकिन दोनों आएंगे तो एक साथ ही आएंगे, ये मतलब है एडजेसेंट का, समझ रहे हो। तो हमने अब तक जो लाइनें पढ़ रहे हैं उसको बेटा इन्फॉर्मेशन फॉर्म में लिखते चलो, कि फाइव बॉयज़ हमने लिख दिए, ए एडजेसेंट टू ई, तो दोनों केस बन सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहीं बोला नहीं गया है कि ए इसके लेफ्ट में है या ए इसके राइट में है, सिंपल एक वर्ड बोला कि एडजेसेंट है, एडजेसेंट मतलब इसके पास बैठा हुआ है, तो पास इधर भी हो सकता है, पास ऐसे भी हो सकता है। ये बात समझ में आ रही होगी, आप सोच लो कि आप और आपका भाई मान लो बैठे हुए हो, ठीक है, आप और आपका ब्रदर बैठे हुए हैं, बैठने की पोजीशन ये भी हो सकती है कि भाई मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा ब्रदर यहाँ बैठा हुआ है, ऐसा भी तो हो सकता था मैं इस चेयर पे बैठ जाऊँ, मेरा ब्रदर इस वाले बैठ जाए, ठीक है, तो वही वाली कंडीशन चल रही है। आगे आते हैं, ई इज़ इन मिडिल ऑफ द रो, ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आप बिल्कुल, देखो मैंने पहले बोला था कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी जो लिंक करेंगी किसी के साथ में, ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जिसको आप डायरेक्टली हाँ श्योरिटी के साथ में लिख सकते हो, हाँ ये तो होगा ही होगा, तो श्योरिटी वाली जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उनको यूज करके डायग्राम स्टार्ट करते हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन का यूज करके फिल करते चलते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसने बोला बिल्कुल मिडिल में बैठा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि मैंने मान लिया कि फाइव पर्सन ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है, फाइव पर्सन है तो मिडिल तो यही होगा इनका, थर्ड होता है फाइव का मिडिल, ठीक है, तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है, क्लियर है, ई इज इन मिडिल ऑफ द रो, रो के मिडिल में बैठ गया। अब आप मुझे बताओ, अभी हमने जो चीज़ पढ़ी थी वो ये वाली पढ़ के आए थे कि भाई ई के लेफ्ट में भी ए हो सकता है, एडजेसेंट बोला है, ई के राइट में भी ए हो सकता है,
तो भाई ई के लेफ्ट में भी ए हो सकता है। अब अक्सर आपने यहाँ क्यों लिख दिया, ई के राइट में भी हो सकता था, तो बेटा उसको सेपरेट केस बना लो। 3, 4, 5% है, यानी कि ई मिडिल में बैठा हुआ है और ये ऐसा भी हो सकता था, यानी कि ये दोनों सिचुएशन आपको लेके चलनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इस तरीके से दी हुई है कि श्योरिटी वाली इन्फॉर्मेशन तो ये है कि ई मिडिल में बैठा हुआ है, ए इसके लेफ्ट में भी हो सकता है, ए इसके राइट में भी हो सकता है, दोनों केस लेके चलने पड़ेंगे, ठीक है। अब क्या बोला हुआ है, ए इज़ नॉट एडजेसेंट टू बी और सी, इस बी और सी, इसका मतलब हो गया कि ए जो है नॉट एडजेसेंट, ना ही बी का ना ही सी का पड़ोसी है, यानी बी और सी इसके पास बैठ ही नहीं सकते, ना तो बी बैठ सकता है, नॉट एडजेसेंट मतलब एडजेसेंट का मतलब आप समझ गए, बिल्कुल पड़ोस में बैठ सकते हैं, नॉट एडजेसेंट का मतलब हो गया कि पड़ोसी नहीं है, कौन कौन, ए जो है वो ना तो पड़ोसी है बी का और ना ही है सी का, इसका मतलब हो गया अगर मैंने ए को यहाँ बैठा रखा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस पोजीशन के ऊपर ना तो बी आ सकता है ना ही सी आ सकता है, दोनों में से कोई नहीं आएगा, समझ रहे हो, ना तो बी आएगा ना सी आएगा, दोनों में से कोई भी नहीं आने वाला, तो आप खुद बताओ, ए आ चुका है, ई आ चुका है, बी और सी यहाँ पर आ नहीं सकते, तो यहाँ पे कौन आएगा, सीधी सी बात है, इधर कौन बैठेगा, डी बैठेगा, और इधर बी और सी कैसे भी हो सकते हैं, बी यहाँ हो सकता है, सी यहाँ हो सकता है, सी यहाँ हो सकता है, तो बी यहाँ हो सकता है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, क्योंकि उससे रिलेटेड हमें कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि क्या होने वाला है उधर, बस इतना पता था कि ए का पड़ोसी बी और सी नहीं होगा, ई यहाँ पे है, तो सीधी सी बात है डी यहाँ पता लग गया। ऐसे इस केस की अगर हम बात करें, इसके अंदर भी वही चीज़ निकल के आ रही है, भाई डायग्राम दूसरा है, कंडीशन तो सेम ही है, क्या कंडीशन है कि ए ना तो बी का पड़ोसी है और ना ही सी का पड़ोसी है, यानी इस जगह पे ना तो बी आएगा ना सी आएगा, क्रॉस का मतलब नहीं आएंगे, ठीक है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे ना बी आएगा ना सी आएगा, तो देख लो ए तो खुद है, ई बैठ चुका है, बी भी नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा, तो यहाँ कौन बैठेगा, डी, और हमसे यही क्वेश्चन में पूछा है डी इज़ एडजेसेंट टू हूम, डी जो है वो एडजेसेंट है किसके, किसका पड़ोसी है डी, तो भाई हमने दोनों डायग्राम बनाए, हमें एक चीज़ पता लगी, डी जो है वो ए का पड़ोसी है, डी जो है वो ए का पड़ोसी है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, हम दोनों केस लेके चले थे, दोनों से हमारा आंसर वही निकल के आ रहा है, डी किसका पड़ोसी है, डी ए का पड़ोसी है, समझ रहे हो कैसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एडजेसेंट का मतलब होता है बिल्कुल पड़ोस के अंदर बैठा हुआ होना, नहीं वाले केस को लेके चलेंगे और जितने केसेस बनेंगे पॉसिबिलिटी सबको लेके चलेंगे, ठीक है, इस तरीके से करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं, हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6 students इंक्लूडिंग पी, याद रख लेना कि ऐसी इस तरह से आपको वर्ड दे दिया है इंक्लूडिंग पी, तो याद रखना पी भी है उस रो में, क्योंकि हो सकता है बाद में पी का कहीं नेम ही नहीं दे रखा हो, तो हम ढूंढते रह जाएंगे सिक्स कौन है, ठीक है, तो 6 students इंक्लूडिंग पी आर सिटिंग इन 2 benches इन 2 rows, इसका मतलब ये है 6% 2 benches में बैठे हुए हैं, ठीक है, 3 in each, दोनों में कितने कितने, 3 3 है, तो मैंने पहले बना दिया इसको, ठीक है, दोनों में 3 3 हैं और इस तरीके से बैठे हुए हैं। अब बात आपके मन में आती है और जो कि आनी भी चाहिए, ऑब्वियस होना चाहिए वो, कि सर जी ऐसा तो नहीं हो रहा कि दोनों ही नॉर्थ में देख रही हूँ बेंचेज, ये ऐसा भी हो सकता है भाई बेंच लगी हो, जैसे सिनेमा हॉल में बैठते हैं हम, ठीक है, लाइन में या क्लास रूम में बैठते हैं, उसमें ये होता है ना बेंच लगी होती है, सबका फेस एक ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है, तो वो हमें ध्यान रखना है कि ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं, तो इसलिए क्वेश्चन में पढ़ो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, क्या लिखा हुआ है, क्यू इज़ नेबर ऑफ यू बना देंगे, आर इज़ नेबर ऑफ टी बना देंगे, एस इज़ सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ यू बना देंगे, आर इज़ सिटिंग डायगोनली, हमें तो वो चाहिए कि क्या चाहिए हमें कि फेस कहाँ पे है, क्योंकि जब फेस नहीं पता होगा हमें कहाँ पे है, तब तक हम लेफ्ट राइट कहाँ से डिसाइड करेंगे, ठीक है ना, हमें फेस देखना है कहाँ पे, आर इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू एस बना देंगे, टी इज़ नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो बना देंगे, हु इज़ फेसिंग क्यू, ये कह रहा है कि कौन क्यू के फेस कर रहा है, कौन है जो क्यू को फेस कर रहा है, तो आप खुद सोचो जब हम फेस कर रहे हैं एक दूसरे को, इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो सपोज करो कि 3 person ऐसे बैठे हुए हैं, 3 person ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ये वाला जो है इसको फेस कर रहा है, समझ में आ रहा है, ये मिडिल वाला जो है इसके मिडिल को फेस कर रहा है और ये वाला इसको फेस कर रहा है, यानी कि एक रो तो ऐसे देखेगी और एक रो ऐसे देखेगी, ठीक है, ये वाली चीज़, यानी डिबेट टाइप में नहीं होता, जब डिबेट करते हो आप लोग तो डिबेट में ये होता है कि आमने सामने बैठ जाते हैं, ठीक है, ऐसे होगा, तो इसके फेस ये करेगा, और डायगोनली का मतलब क्या है, इसके डायगोनल में ये वाला हो रहा है, डायगोनली अपोजिट, इसको बोलते हैं डायगोनली अपोजिट, इसके डायगोनल में ये वाला हो रहा है, बस इतना समझ में आ था, तो हमारा मेन टारगेट था कौन फेस कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया बेटा कि एक रो तो ऐसे देख रही होगी और एक रो ऐसे देख रही होगी, ठीक है,
यानी मान लेते हैं ऊपर वाली है नीचे साइड में देख रही है, नीचे वाली ऊपर साइड में देख रही है, यानी ये तो देख रही है साउथ में और ये देख रही है नॉर्थ में, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेफ्ट राइट वाला ध्यान रखना है ये, ठीक है। ये तो चलो आपको बना के बताया मैंने इस चीज़ को, अब पूरा डिटेल में बनाते हैं। तो हमारा जो मेन चीज़ थी वो ये बता रहा है, हु इज़ फेसिंग क्यू का मतलब एक दूसरे को फेस करते हुए लाइन बनी हुई है। अब डायग्राम बना लो, डायग्राम डिटेल फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो डायग्राम मैंने बनाया कि ये तीन लोग बैठे हुए हैं इस रो में, ये तीन लोग बैठे हुए हैं इस रो में। दूसरी बात देखो, एक तो हमें फेस का पता करना था, दूसरी बात ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कौन सी रो में कौन लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। जब इन्होंने बोला है कि तीन तीन लोग बैठे हुए एक रो के अंदर, तो वो तीन तीन लोग कौन है, किन तीन का ग्रुप बना हुआ है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी हमें क्वेश्चन से ही ढूंढनी है कि कौन तीन तीन का ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। अब इसने बोला क्यू इज़ नेबर ऑफ यू, ठीक है, क्यू इज़ नेबर ऑफ यू। यहाँ पर नेबर का मतलब ये है बिल्कुल पड़ोस वाला होता है, नेबर का मतलब जो बिल्कुल पड़ोस के अंदर है। आर इज़ नेबर ऑफ टी, ओके भाई यहाँ तक ठीक है। Q और U नेबर है, इसका मतलब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि एक रो तो ऐसी होगी जिसमें Q होगा और U होगा। अगर दोनों नेबर हैं तो नेबर वाले मतलब ये आपस में नेबर होंगे, ये नहीं ये नेबर नहीं होंगे, नेबर ये वाली रो होगी। इस रो में तीनों लोग बैठे होंगे नेबर होंगे, इस रो में तीनों लोग बैठे होंगे वो नेबर होंगे। तो एक रो में तो Q और U मिला आपको। देखो बेटा हमारा दो टारगेट थे इसके अंदर, एक तो फेस पता लगाना कहाँ पे है, दूसरा टारगेट है कि भाई इस रो में कौन तीन लोग बैठे हुए हैं, इस रो में कौन तीन लोग बैठे हैं वो तो पता लगे, फिर बैठाएंगे अरेंजमेंट करेंगे। आर इज़ नेबर ऑफ टी, यानी एक रो ऐसी होगी जिसमें आर और टी होंगे। अब क्या बोला हुआ है, एस इज़ सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ यू, यू के सेकेंड लेफ्ट में बैठता है एस, यानी होगा तो यू वाली लाइन में, इसका मतलब एस इस लाइन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। कहाँ पे है वो अरेंजमेंट यहाँ करेंगे, अभी हम पूरा डिटेल में ये बता रहा हूँ कि आपको पता कैसे लगेगा किस रो में कौन बैठा हुआ है, ठीक है। तो Q और U एक रो में है, R और T एक रो में है, और S जो है U के सेकंड लेफ्ट में। अब सेकंड लेफ्ट में सामने वाली रो में तो होगा नहीं, सेम रो के अंदर होगा, ठीक है। तो S जो सेकंड लेफ्ट में है U के, तो हमें पता लग गया इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन है, और R और T के साथ कौन बैठा हुआ है, ये रहा ना सिक्स्थ पर्सन हमारा P, और इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन है। ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक, ठीक है। अब स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहली बात, S इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ U। अब देखो इसको बनाने के दो तरीके हैं, क्योंकि हमें कहीं नहीं बोला हुआ है कि जो Q, U, S वाले तीन लोग हैं वो साउथ में देख रहे हैं कि वो नॉर्थ में देख रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है ये पूरा ग्रुप साउथ में हो तो ये नॉर्थ में हो जाएगा, हो सकता है ये नॉर्थ में देखने वाला ग्रुप हो तो साउथ वाले ग्रुप में हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी दो केसेज बनेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं कौन सा केस मान लेते हैं कि Q, U, S ये वाले लोग हैं, Q, U, S ये वाला ग्रुप है और R, T, P ये वाला ग्रुप है। बेटा पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, प्रैक्टिस फिर आपको करनी है, स्पीड वहाँ से बनेगी, मुझे तो पूरा डिटेल में आपको बताना है कंसेप्ट कहाँ से निकल के आ रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि Q, U, S ये वाला ग्रुप है। अब ये वाला ग्रुप है तो नीचे देख रहा है, और नीचे देख रहा है इसका मतलब हो गया इस ग्रुप के लिए लेफ्ट तो ये हो गया और राइट ये हो जाएगा जब ये नीचे देखेगा तो, और ये वाला ग्रुप ऊपर देख रहा है इसका मतलब इनका राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट इधर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या बोला हुआ है, एस इज सेकंड लेफ्ट ऑफ यू, यू के लेफ्ट में है लेकिन कौन से लेफ्ट में, सेकंड पोजीशन पे। यानी देखो यू ये बैठा हुआ है, मैंने देखो यू को इधर बैठा रखा है तो मेरा लेफ्ट ये हो गया, इधर बात कर रहा हूँ मैं, यू बैठ गया उसके लेफ्ट में एक और लेफ्ट में सेकंड वो होता है। इसका मतलब आप बैठाओगे यू को यहाँ और S इसके लेफ्ट में एक पोजीशन, देखो लेफ्ट इधर है, लेफ्ट में एक पोजीशन और लेफ्ट में सेकंड पोजीशन यहाँ बैठेगा S, और हमें स्टार्टिंग में बताया भी था Q इसका नेबर है U का तो Q हो जाएगा इधर, ठीक है। उसके बाद हमारे इस लाइन की इन्फॉर्मेशन काम आ चुकी है, इस लाइन की इन्फॉर्मेशन काम आ चुकी है। अब इस लाइन पर आ जाओ, R और T वाली भी काम आ चुकी है बनाने के। R इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू S, S के डायगोनली अपोजिट है, और यहाँ पे डायगोनली अपोजिट का मतलब ये होता है S के डायगोनली अपोजिट। हमें पता है जब इस तरह से हम डायग्राम बनाते हैं तो इनको डायगोनल बोलते हैं, इनको डायगोनल बोलते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो S के डायगोनली अपोजिट मतलब यहाँ डायगोनल बना, एक डायगोनल ऐसे बनेगा, तो S के डायगोनली अपोजिट कौन बैठा हुआ है, R, तो यहाँ बैठा हुआ है R, ठीक है। T is not at the end of any row, इसका मतलब जो T है वो किसी भी रो में एंड पे नहीं बैठा हुआ, तो कहाँ बैठा होगा, तीन लोग हैं टोटल यार, तीन लोग में दो लोग तो एंड पे बैठेंगे, ठीक है, और T इनमें से कहीं भी नहीं है तो T कहाँ होगा जब एंड पे नहीं होगा, तो आप खुद बोल दो जाके भाई देखो सीधी सी बात है मैं ना कोने पे नहीं बैठूंगा, मैं ना कोने पे नहीं बैठने वाला, तो कोने पे नहीं बैठेगा भाई, टोटल तीन बेंच पड़ी हुई है,
तेरे को कोना, ये भी कोना पड़ गया, ये भी कोना पड़ गया। जब तेरे कोने पे नहीं बैठना, तेरे लिए पोजीशन एक ही बचती है, कौन सी? बीच वाली। ठीक है, इसका मतलब टी कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, मिडिल के अंदर। ठीक है, और हमें पता है जब हमने टी को फिल कर दिया तो बचता तीसरा कौन है? वो पी बचता है, तो पी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर बताओ, हु इज़ फेसिंग क्यू, क्यू को कौन फेस कर रहा है? तो आप कह दोगे सर क्यू को यहाँ पे टी फेस कर रहा है। क्यू को कौन फेस कर रहा है? टी फेस कर रहा है, और आंसर हो जाएगा टी। लेकिन किसी बच्चे के मन में अभी ये आ सकता है, सर जी मैंने तो ऐसे नहीं लिया कि मैं इन तीनों को साउथ में क्यों फेस कराऊँ, हो सकता है मैं इन तीनों को नॉर्थ में फेस कराऊँ। बिल्कुल करा सकते हो, एक बार इसको नोट कर लो, फिर हम नॉर्थ में फेस करा के देख लेते हैं बेटा इसको। ठीक है, एक बार पॉज करो, इस चीज़ को नोट करो। हर वर्ड का मतलब बता दिया मैंने, डायगोनल अपोजिट क्या होता है वो भी बता दिया है। ठीक है, सेकंड टू लेफ्ट वर्ड था, इसका मतलब भी मैंने बता दिया क्या होता है सेकंड टू लेफ्ट। ठीक है, नेबर क्या मतलब है, उससे हमें रो पता लग रही है। एक बार इसको फटाफट पोज करके नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूँ दूसरे तरीके से, या फिर एक काम करो दूसरा तरीका यहीं देख लेते हैं। कैसे भाई, ये तीन लोग हैं, ये तीन लोग हैं, ठीक है, ये साउथ फेसिंग है, ये नॉर्थ फेसिंग है। अब मैंने मान लिया कि जो क्यू यू एस वाले लोग थे वो ये हैं, क्यू यू एस ये है, और आर टी पी यहाँ बैठ रहे हैं। भाई देखो, पेपर में हमारे मन में कहीं भी आ सकता है, हम इस तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं, इस तरह से अरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, अब मुझे बात बताओ, स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को, क्या है? एस इज़ सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ यू। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ऊपर देखने वाले लोग ये हैं तो इनका राइट इधर होगा, लेफ़्ट इधर होगा, ये नीचे देखने वाले लोग हैं इनका लेफ़्ट इधर होगा और राइट इधर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो वो बता चुका हूँ ऑलरेडी। अब क्या बोला हुआ है, एस सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ यू, यू नीचे बैठा हुआ है, यू यहाँ बैठ गया, देखो बेटा सामने आना पड़ रहा है कैमरा के, यू यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, ये मान लो ये यू है, ठीक है, उधर देख रहे हैं, तो इसका लेफ्ट में फर्स्ट पोजिशन ये और सेकेंड पोजिशन ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने यू को यहाँ लिया तो इसके फर्स्ट पोजिशन और सेकेंड पोजिशन, तो एस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एस कहाँ जाएगा? इधर सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, और हमें पता है कि यहाँ पे क्यू यू और एस बैठे हुए हैं, तो यहाँ ऑटोमेटिकली क्यू आ जाएगा, और बोला भी हो इसका नेबर है। ठीक है, हाँ जी, ये बात समझ में आ रही है। अब बात आती है कि जो आर था वो डायगोनली अपोजिट है, तो एस के डायगोनल ऐसे बनेगा। ठीक है, डायगोनल बनाना बता चुका हूँ, इनको डायगोनल बोलते हैं। अगर आपने ए बी सी डी अगर दिया कोई भी, तो जो ए सी है ये भी डायगोनल है, और ये बी डी है ये भी क्या है? डायगोनल है। ठीक है, तो यहाँ बैठा हुआ है R, T ने फिर वही कंडीशन लगा रखी, मैं तो भाई एंड पे नहीं बैठूंगा, तो यहाँ तो एंड पे यहाँ नहीं बैठ रहा, अच्छी बात है, इस एंड पे भी नहीं बैठेगा, T कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा, और बचता है बाद में P। और इस केस में भी अगर आपको देखा जाए कि Q के फेस कौन कर रहा है, तो Q का फेस तो कौन कर रहा है, Q के फेस के सामने तो कौन बैठा हुआ है? T बैठा हुआ है, तो आंसर अपना क्या रहेगा? T आंसर रहेगा। आई होप आपको कंसेप्ट पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं। हाँ जी बेटा जी, अब क्वेश्चन आ गया, थोड़ा खुश हो जाओ, जिसने रैंकिंग टेस्ट अच्छे से पढ़ा है, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज अच्छे से पढ़ी है, उसके लिए तो ये वाला क्वेश्चन हलवा हो जाएगा पूरा। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, इन अ रो ऑफ सम चिल्ड्रन, कुछ चिल्ड्रन है हमें नहीं पता है, फेसिंग साउथ, लेकिन साउथ में देख रहे हैं, ए इज़ 15th फ्रॉम द राइट एंड, ए राइट एंड से 15th पे है, बी इज़ 3rd टू राइट ऑफ ए, आगे ना अपने रैंकिंग टेस्ट वाले क्वेश्चन वाले। ठीक है, बस मिक्स कर दिया यहाँ पे, तो अब देखो क्या करना है हमें, एक रो है हमारे पास में, हमें नहीं पता कितने चिल्ड्रन है, ये एक रो है मान लेते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ पता है कि कहाँ देख रहे हैं, ये साउथ में देख रहे हैं। अगर ये साउथ में देख रहे हैं तो आप बताओ ये लेफ़्ट होगा, भाई साउथ में देख रहे, इधर फेस हो गया, ये लेफ़्ट हो गया, ये राइट हो गया। ठीक है, तो ये लेफ़्ट हो गया और ये हो गया राइट, तो ये ध्यान देने वाली चीज़ थी। अब तक हम जो भी क्वेश्चन कर रहे थे वो नॉर्थ में देखने वाले किए हैं मोस्टली, तो उसके अंदर अपना राइट ये होता है, लेफ्ट ये होता है, राइट एंड लेफ्ट एंड वाला चलाते हैं, लेकिन इसके अंदर ध्यान देना थोड़ा सा कि ये लेफ्ट है तो ये वाला लेफ्ट है, तो इसको बोलेंगे आप लेफ्ट एंड, लेफ्ट साइड का एंड पॉइंट, और ये हो जाएगा राइट एंड। ठीक है, अब तक हमारा राइट एंड ये होता था, लेफ्ट ये होता, लेकिन अब कहाँ क्यों होता था? क्योंकि हम नॉर्थ में देखते थे, अब साउथ में देख रहे, तो ये लेफ्ट एंड होगा, राइट एंड होगा, ये लेफ्ट डायरेक्शन होगी, ये राइट डायरेक्शन होगी, समझ गए? ये गड़बड़ अगर आप लोगों ने नहीं की, मतलब इस तरह से आपने करेक्टली कर दिया, ठीक है, लेफ्ट राइट गड़बड़ नहीं करते तो आगे के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता है। हाँ जी, क्या बोल रहा है अब, ए इज़ 15th फ्रॉम द राइट एंड, ए जो है 15th राइट एंड से, अपना हाथ तुरंत चला जाता है राइट एंड से 15, गलत हो जाएगा बेटा, साउथ में देख रहे हैं, इसका मतलब राइट एंड ये है और ए की पोजिशन यहाँ से 15 है,
यहाँ से एक ही पोजीशन है और वो पहुँचा 15 के ऊपर, ये राइट एंड है। यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ है साउथ में फेसिंग है, फेस कहाँ है आपका, साउथ, तो उल्टे हो गए डायरेक्शन, ठीक है। बट हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा कंसेप्ट अच्छा है, हमने रटे थोड़ी ना, हाँ जो प्रॉब्लम आएगी। तो हो गया ए इज 15th फ्रॉम द राइट एंड, आ गया। बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए, बी जो है थर्ड है कहाँ, ए के राइट में, बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ए के राइट में थर्ड है। तब आप सोचो राइट डायरेक्शन कौन सी है हमारी, ये वाली डायरेक्शन है, ठीक है। सारा उल्टा चल रहा है बेटा, क्यों चल रहा है उल्टा, सिर्फ साउथ में देखने की वजह से, ठीक है। तो लेफ्ट राइट बन गया, राइट लेफ्ट बन गया, हाँ जी। तो जो बी है वो थर्ड राइट है किसके, ए के, तो ए के राइट में थर्ड, ए के राइट में थ्री पोजीशन, यानी सीधी सी बात है 15 कदम आगे चले, 3 कदम पीछे आ गए, ठीक है। तो यहाँ आके कौन बैठा हुआ है आपका, यहाँ बी बैठा हुआ है, और इस बी की पोजीशन हम देख लेते हैं। तो देखा जाए तो जब 3 कदम पीछे आ गए तो हिसाब से अभी ये यहाँ से 12 कदम ही तो होगा, ठीक है भाई। 15 थे, 15 में से 3 वापस आ गए, जब 15 में 3 वापस आओगे तो 12 पे पहुँच जाएगा, कहाँ से, राइट हैंड से। ओके आगे चलते हैं, सी हु इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, देखेंगे भाई हमें पता ही नहीं है कितने लोग हैं, तो हम 5th कहाँ से बनाएं, हमारे इन्फॉर्मेशन दो जो ए बी सी से रिलेटेड हो कुछ। तो आगे चलो, तो इसको अभी हम रखते हैं, बाद में काम में लेंगे, ठीक है। तो सी जो कि 5th है लेफ्ट एंड से ऑफ द रो इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ बी, हमें तो लिंक करते हुए चलना है, जो सी है वो 7th है कहाँ से, बी के लेफ्ट में, इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में 7, तो बी तो यहाँ पे है भाई, ठीक है। इसके लेफ्ट में, लेफ्ट यहाँ पे है, मैं फिर कह रहा हूँ साउथ फेस कर रहा है, थोड़ा सा कोशिश हो जाना है इस चीज़ को लेके कि हमें सही करना है। तो लेफ्ट में कितनी पोजीशन, 7th, तो लेफ्ट में 7 चलो, लेफ्ट में 7 चले तो पहुँच गए सी पे, 12 के बाद में 7 चले तो ये 19 पे पहुँच गए आप, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर जी टोटल लोग कितने हैं, तो टोटल कैसे पता लगता है, अगर हमें किसी भी एक पर्सन की पोजीशन लेफ्ट से पता हो, राइट से पता हो, तो हम टोटल निकाल सकते हैं। तो क्या ऐसा कोई पर्सन है जिसके अंदर जिसकी पोजीशन लेफ्ट और राइट से पता है, भाई ए की पोजीशन तो पता नहीं हमें लेफ्ट राइट से, बी के लेफ्ट राइट, लेकिन सी की पे ध्यान दो, सी की पोजीशन हमें लेफ्ट से भी पता लग गई, कहाँ है लेफ्ट से, तो देखा जाए तो लेफ्ट से एक तरीके से 19 पे आ गया ये, ठीक है। इसकी पोजीशन राइट, सॉरी ये राइट से आ गया 19 के ऊपर, उल्टा हो रहा है, राइट एंड ये है, ठीक है। और इसकी पोजीशन हमने एक लाइन छोड़ी थी बाद के लिए, वो क्या था, सी हु इज 5th फ्रॉम लेफ्ट एंड, लेफ्ट से 5th पे है, तो लेफ्ट साइड से ये कितने पोजीशन पे है, 5th पोजीशन पे है। तो सी की पोजीशन मुझे लेफ्ट से भी पता है, राइट से भी पता है, तो यहाँ से हम टोटल नहीं निकाल सकते, तो टोटल हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो 19 प्लस 5 माइनस 1, 19 प्लस 5 क्या होता है, 24 माइनस 1 23, यानी कि लाइन में टोटल कितने लोग हैं, 23 पर्सन है लाइन के अंदर। लेकिन हमें ये नहीं पूछा टोटल कितने पर्सन है, हमसे पूछा है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम लेफ्ट एंड, ए की पोजीशन लेफ्ट से बताओ, ए मुझे पता है राइट से 15 है, लेफ्ट से बताओ। तो आपके दिमाग में अब आ गया होगा तुरंत, सर जी ये टोटल 23 है, 23 में 15 पे ये है, तो 15 के बाजू में कितने लोग बैठे होंगे, 8 और बैठे होंगे, क्योंकि देखो 15 तो ये हो गए टोटल मिला के इस समय, और उसके बाद 8 ये होंगे, तो 15 प्लस 8 23। अब मुझे बताओ जब 8 पर्सन इधर बैठे हुए हैं तो इसकी पोजीशन कौन सी हो जाएगी, 9th नहीं होगी क्या, बिल्कुल होगी। आप खुद सोचो, मैं कहूँ कि मेरे इधर लेफ्ट में 2 लोग बैठे हुए हैं, तो उधर से अगर मैं काउंटिंग करूँ तो मेरी 1 2 तो मेरे बैठे हुए ही हैं, और मैं कौन सा हो जाऊँगा, थर्ड हो जाऊँगा, तो 8 तो बैठे हुए ही हैं, पोजीशन कौन सी, 9th हो जाएगी। तो आई थिंक जिसने किया होगा रैंकिंग टेस्ट, और काफ़ी दिन से क्लास नहीं लगी है, आज क्लास लगी, मज़े तो बहुत आए होंगे बेटा आज की क्लास में, इस क्वेश्चन के अंदर खासकर, ठीक है। अब रेगुलर आता रहेगा, जो गलती वो नहीं कर पाया सॉरी उसके लिए, लेकिन अब रेगुलर आएगा, टेंशन नहीं लेना है, और करते चलो इस चीज़ को, ठीक है, फिर मिलते हैं।